बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ कलेजी। तो आप किसी भी गोश्त की कलेजी ले सकते हैं। यहाँ मैंने हाफ़ के जी कलेजी लेकर इसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में डालकर खुश कर लिया है। फ्लेम ऑन कर दी है। कड़ाही में 4 टेबलस्पून घी ऐड कर दिया है। घी मेल्ट होने के बाद ऐड करेंगे हम कलेजी को। तो घी या ऑयल ऐड करने के बाद 2 मिनट तक घी में फ्राई करेंगे। फ्लेम बिल्कुल लो है और इसका कलर चेंज होने तक 2 मिनट तक हम फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से, कोई मसाला ऐड किए बगैर। कलेजी बहुत ही अच्छी होती है सेहत के लिए। जिनको खून की कमी है वो ज़रूर इसको बनाकर खाया करें, और बड़ों और बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद होती है। दो मिनट फ्राई करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ प्याज और लहसुन अदरक पेस्ट 1-1 टीस्पून और छोटे अदद का 1 प्याज छोटा सा बारीक किया हुआ। तीनों चीज़ों को हम 3 मिनट फ्राई करने के बाद जब इसका कलर चेंज हो जाए तो स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें सबसे पहले 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्चें। सारी चीज़ों को मसाले को हम 30 से 40 सेकंड फ्राई करेंगे। अच्छी तरह फ्राई करने के बाद हम इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला जल ना जाए। और दही ऐड कर देंगे तकरीबन 1/2 कप के करीब मेल्ट किया हुआ। तकरीबन 1 मिनट हम फ्राई करेंगे मीडियम आंच पर। और चम्मच हमने चलाते रहना है ताकि दही फट ना जाए और गुठलियां ना बन जाए। दही दानेदार नहीं बनना चाहिए, जल्दी जल्दी है। चम्मच चलाने के बाद हम इसको पकाएंगे। पकाने के भूनने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। तकरीबन मैंने इसको 1.5 से 2 मिनट फ्राई किया। फ्राई करने के बाद दही डाला। दही को मैंने तकरीबन 2 मिनट फ्राई किया और दम पे मैंने इसको 5 मिनट पकने के लिए रख दिया था। अब देख सकते हैं कितना मज़ेदार ग्रेवीदार मसाला। और एंड में हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी और नमक हसबे ज़ायका। नमक हम एंड में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अगर आप शुरू में ही नमक को ऐड कर देंगे तो कलेजी सख्त हो जाएगी और बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। और डिश आउट करते हैं, बिल्कुल रेडी है ये। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार इसकी लुक देखें। पुदीने के पत्तों और लेमन से हमने इसको गार्निश किया है। अभी आपको खाकर दिखाते हैं। ये देख सकते हैं अंदर तक ये गली हुई है। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी कलेजी की रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। बनाने के बाद आप फीडबैक ज़रूर दिया करें। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो को अगली और नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।